हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के जनधन सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। वेल दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का एफडी ओपन करवाते हो तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है एफडी के ऊपर। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब दोस्तों, हम आते हैं पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स के ऊपर। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट तो ओपन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो अकाउंट स्मॉल अकाउंट्स होगा। दोस्तों, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, और स्मॉल अकाउंट्स पर काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। इसके अलावा आप पंजाब नेशनल बैंक के बेसिक पॉइंट्स पर भी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो लोग भी आप लोगों को स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स ही ओपन करके देते हैं। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट्स है, ये आप ब्रांच में जाकर के ओपन करवाइए। यहाँ पर आपका जो एज है वो 18 ईयर्स होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसके साथ साथ कोई भी आप लीगल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो अकाउंट्स है, ये गवर्नमेंट के अंतर्गत यानी कि गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत ये अकाउंट ओपन किया जाता है। और गवर्नमेंट का मकसद यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अकाउंट प्रोवाइड कराना। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम बैलेंस चार्जेस निल है, यानी कि मिनिमम बैलेंस आप लोगों को 1 भी रुपीज नहीं मेंटेन करना है। इसके साथ साथ एसएमएस अलर्ट चार्जेस निल है। अब यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर, ये बताइए, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमारी लिमिटेशंस क्या रहेगी, यानी कि ब्रांच में हम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रावल कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट होता है, वो जरूरी नहीं है कि आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का ही अकाउंट हो। आपका अगर रेगुलर अकाउंट्स भी है तो भी यहाँ पर आप 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केस में 50 रुपीज पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा, यानी कि मंथली 3 बार आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, और यहाँ पर अप टू 1 लाख रुपए तक फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हो। और इसके ऊपर अगर आप करते हो तो यहाँ पर 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस आप लोगों को देना होगा, और मिनिमम आप लोगों को 50 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। बात करें दोस्तों, अगर हम विड्रावल की कि हम कितने बार पैसे निकाल सकते हैं मंथली, तो दोस्तों आप चाहे तो इनके होम ब्रांच से निकालो या फिर नॉन होम ब्रांच से निकालो, आप मंथली 5 विड्रावल कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को कैश डिपॉजिट और कैश विड्रावल चार्जेस बताया है, ये दोस्तों हर एक अकाउंट्स पर लागू होता है, यानी कि ये बेसिक चार्जेस है। ये आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट होता है पंजाब नेशनल बैंक में तो ये चार्जेस लागू होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें चेकबुक की, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि पंजाब नेशनल बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक प्रोवाइड करता है, लेकिन क्योंकि ये जनधन अकाउंट्स है दोस्तों, तो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक 10 चेक लीव्स प्रोवाइड करता है, यानी कि 10 पेज का 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया करता है पर फाइनेंशियल ईयर। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 4 रुपए प्लस GST पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। दोस्तों, बात करें अगर हम डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड दोस्तों यहाँ पर रुपए जनधन डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी एनुअल फीस, इश्योरेंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। बात करें कैश विड्रावल की, तो यहाँ पर दोस्तों आप 25,000 रुपये पर डे निकाल सकते हो दोस्तों, लेकिन हालांकि यहाँ पर 1 टाइम में आप 20,000 रुपये ही निकाल सकते हो पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से, और दूसरे बैंक के एटीएम से आप 10,000 रुपये ही निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, पीओएस लिमिट की अगर हम बात करें ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पर आप 60,000 रुपये तक ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, आप लोगों का जो अकाउंट है वो स्मॉल अकाउंट नहीं होना चाहिए,
तभी ये जो फैसिलिटीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो फैसिलिटीज मिलेगी। अगर आप जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में तो वहां पर सीधे सीधे बोलिए कि सर हमको प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट ओपन करना है और हमको स्मॉल अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है दोस्तों, ये सीधे सीधे आप उनको बताइए। इसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट के ऊपर आप लोगों को ओडी लिमिट भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर कोई हाउस होल्ड है, हाउस वाइफ है, तो 5,000 रुपए तक का ओडी लिमिट मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों डेबिट कार्ड के ऊपर 1,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये पंजाब नेशनल बैंक का जो अकाउंट्स है ये टोटल का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बात करें दोस्तों यूपीआई की, तो यहाँ पर आप इस अकाउंट से यूपीआई भी कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर देखिए यूपीआई जो आरबीआई का गाइडलाइन है, आप 1,00,000 रुपए तक पर डे कर सकते हैं यूपीआई। अब क्योंकि ये भी सेविंग्स अकाउंट्स के कैटेगरी में ही आता है, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने टर्म कंडीशंस में ये नहीं लिखा है कि आप 50,000 रुपए कर सकते हैं, 25,000 रुपए कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों 1,00,000 रुपए कर सकते हैं। अगर आपका 25,000 है, 26,000 है, आप 25-26 हज़ार ही कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने ब्रांच में विजिट करिए, उनसे बताइए कि सर हम यूपीआई नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपका नया अकाउंट है तो आप ज्यादा यूपीआई ना करें दोस्तों, क्योंकि आज के समय में जिनका नया अकाउंट है वो चाहे तो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो वो प्रधानमंत्री जनधन सेविंग्स अकाउंट हो, यानी कि कोई भी अकाउंट हो, और जो लोग ज्यादा यूपीआई कर रहे हैं या फिर ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका जो अकाउंट है वो फ्रीज किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वो जो ट्रांजेक्शन है वो संदिग्ध ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि आप नया नया अकाउंट ओपन करवाते हो और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, तो बैंक को ये लगता है कि ये कहीं पर फ्रॉड कर रहा है या फिर ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके वजह से ये लोग फ्रीज कर देते हैं दोस्तों अकाउंट्स को। तो दोस्तों अगर आपका नया अकाउंट है तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन ना करें, हालांकि 6 महीने 8 महीने के बाद आप कर सकते हैं। दोस्तों इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक बात और कि जो मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट रेट बताया है, ये इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है दोस्तों। ये मैं जो इंटरेस्ट रेट आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है, तो इसलिए दोस्तों हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक के जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन था वो बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि 3-4 दिन के बाद में पंजाब नेशनल बैंक सर्विस चार्जेस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है, जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में बेसिक सर्विस चार्जेस क्या देना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।